वाड़ी में जिला परिषद शिक्षण सभापति नागपुर पंचायत समिति सभापति सह नवनियुक्त लोक प्रतिनिधियों का स्नेहिल सत्कार किया गया। नागपुर जिला सह वाड़ी परिसर में कार्यरत शिवसेना महाराष्ट्र वाहतूक सेना द्वारा वाड़ी दौलापेटी क्षेत्र से हाल ही में चुनकर आए जिला परिषद व पंचायत सदस्य व सभापति पद ग्रहण करने पर भावभीना सत्कार किया गया। मंच पर विशेष अतिथि सामाजिक कार्यकर्ती आशीष इखनकर, शिवसेना महाराष्ट्र वाहतूक सेना के पदाधिकारी राकेश अग्रवाल, स्वप्निल बोराडे, भावराव रेवतकर उपस्थित थे। सर्वप्रथम सत्कार मूर्ति नागपुर जिला परिषद के शिक्षण सभापति व सोनेगांव निपानी जिला परिषद सदस्य भारती अनिल पाटिल, नागपुर पंचायत समिति के सभापति व दुर्गधामनाल निवासी रेखा वर्ठी, दौलामिट्टी की जिला परिषद सदस्य ममता थोपटे, येडला गोनी निवासी पंचायत समिति सदस्य प्रीति अखंड, धामना निवासी पंचायत समिति सदस्य अविनाश पाटिल ने छत्रपति शिवाजी महाराज व डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर के छायाचित्र पर माल्यार्पण किया। शिवसेना महाराष्ट्र वाहतूक सेना के पदाधिकारी राकेश अग्रवाल, स्वप्निल बोराडे, भावराव रेवतकर, सामाजिक कार्यकर्ता आशीष इखनकर, गजानंद तलमले, विजय वानखेड़े, सुनील शेट्टी ने इन सभी नवनियुक्त जनप्रतिनिधियों का शॉल, गुलाब फूल का पौधा, भेंट वस्तु व मिठाई देकर सत्कार व अभिनंदन किया। प्रमुख अतिथि आशीष इकनकर, राकेश अग्रवाल, माजी सभापति प्रमिला पवार ने इन नवनियुक्त प्रतिनिधियों का अभिनंदन कर प्राप्त पद का क्रियाशील होकर समाज के उपयोग में करने का आग्रह किया। सरकार के जवाब में नवनियुक्त शिक्षण सभापति भारती पाटिल ने अपने राजकीय जीवन के संघर्ष, समाज व परिवार से मिला सहकार्य कांग्रेस पक्ष ने व्यक्त किया। विश्वास प्रस्तुत कर ग्रामीण क्षेत्र का शिक्षा व दर्जा व शिक्षकों को प्रोत्साहित करना, समस्या और उपाय व कार्यवाही करने का मनोगत प्रस्तुत किया तथा सभी से सहकार्य की अपील की। अन्य सरकार मूर्तियों ने भी इस सत्कार से प्रेरणा मिलने से अधिक जिम्मेदारी बढ़ने का मत व्यक्त किया। कार्यक्रम का प्रास्ताविक दिलीप तरायकर, आभार विजय वानखेड़े, इन्होंने व्यक्त किया। सत्कार समारोह में शिवसेना महाराष्ट्र वाहतूक सेना के पदाधिकारी राम सिंह, धनराज लांडे, वाड़ी शहर प्रमुख अभय वर्मा, रिंकू अग्रवाल, राजीव तिवारी तथा विलास माड़ेकर, नरेश चौहान, विकास बंसोड़, ऋषि कुमार बाघ, नागेश बोरकर इत्यादि उपस्थित थे। कार्यक्रम पश्चात मिठाई का वितरण किया गया। सबसे पहले मैं छत्रपति शिवाजी महाराज, बाबा साहेब अम्बेडकर और बाला साहब को नमन करता हूँ। बड़ी खुशी की बात है कि हमारे क्षेत्र से जो आप लोग चुनकर आए सभापति पद जो हमारे को मिले वो हमारे क्षेत्र के लिए भविष्य में बहुत लाभदायी रहेंगे, ऐसी मेरी एक सोच है। और ज़्यादा मैं कुछ ना बोलते इतना कहना चाहूँगा कि शिवसेना महाराष्ट्र वाहतूक सेना की तरफ से आप सभी को खूब खूब अभिनंदन। हम एक सोशल वर्कर हैं, समाज सेवक हैं, पत्रकार बंधु, जितना वाड़ी के जो एक्टिव हैं, जो पत्रकार परिषद अपनी यहाँ की है, तो बस हम इतना है आपसे एक एक्सपेक्टेशन करेंगे कि जैसे हम लोग कुछ समाज के लिए करना चाहते हैं, पत्रकार बंधु करना चाहते हैं, उसमें आप लोगों का सहयोग बस हमारे साथ बना रहे। ज़्यादा कुछ ना बोलते हुए आप सबका फिर से एक बार बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। आज के सत्कार समारोह खालसा सरांनी फोन केला तेव्हा मला खूप आनंद झाला, कारण खालसा सर म्हणजे मी ज्या शाळेत शिकले त्या शाळेत खालसा सरही होते। आमची शाळा म्हणजे फ्रेंडशिप जिल्हा परिषद शाळा, आणि त्या शाळेत मी गेल्या, मी 2012 पंचायत समिती सदस्य म्हणून निवडून आली आणि 2012 मी माझ्या सर्कलमध्ये म्हणजे सोनेगाव निपाणीमध्ये मी भरपूर कामं केले आणि त्यानंतर त्या कामाचं मला आत्ता जे फळ मिळालं आहे ते या 8 वर्षात काम केल्यानंतर मिळालेलं आहे। ज्या काही योजना होत्या, ज्या तळागाळापर्यंत पोचवायच्या होत्या, कोणाला लाभार्थ्याला लाभ द्यायचा होता, तो सगळ्या प्रकारचे कामं मी केले। जे कोण घरकुलचं काम असो किंवा राशन कार्डचं काम असो, हे सर्व कामं केले, सर्व कामं केले। त्यानंतर माझं सर्कल रिझर्व झालं, त्याच्यामुळे मला ही जिल्हा परिषद सदस्य म्हणून निवडणुकीत लढता आलं आणि मी जिल्हा परिषद सदस्य म्हणून बाजारगाव सर्कलमधून निवडून आली। आणि निवडून आल्यानंतर हे काही निश्चित नव्हतं की मला कोणतं पद मिळेल आणि आशा पण नव्हती। माझं एवढंच एक म्हणणं होतं की जर का मी निवडून आली आहे तर मी प्रत्येकाचं काम करेन, कधी मी कोणाला नाही म्हणणार नाही, जे माझ्या परीने करता येईल ते मी नक्की काम करेल। आणि पक्षाने मला इतकी मोठी संधी दिली होती तर पक्षासाठी मी सदैव तत्पर राहील आणि सदैव पक्षासाठी काम करेल। मी कधीही पक्षाला दगा देणार नाही किंवा माझा पक्ष सोडून मी कधी जाणार नाही। ज्या काँग्रेस पक्षाने माझ्यावर इतका मोठा विश्वास टाकून मला सभापती पदासाठी निवडणुकीसाठी तयार केलं आणि मला जे पद दिलं, मी खरंच खूप खूप ऋणी आहे माझ्या पक्षाची पण, आणि ज्या सरकारने मला वोटिंग केलं
त्या सभागृहातल्या सर्व सदस्य जिल्हा परिषद सदस्यांचं सुद्धा मी खूप ऋणी आहे. NBC न्यूज के लिए वाडी से सुनील शेट्टी के साथ अभिषेक पासी की रिपोर्ट.